नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से एमएस वर्ड में वर्ड आउट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ड आउट ऑप्शन एक्चुअल में आपको मिलता कहां पे है। आपको इसके लिए जाना होगा एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के अंदर और यहां पर आपको दिखाई देगा वर्ड आउट का एक ऑप्शन। अब बेसिकली वर्ड आउट ऑप्शन यूज किस लिए किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। वर्ड आउट ऑप्शन बेसिकली यूज होता है किसी भी टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए या किसी भी टेक्स्ट को एक अट्रैक्टिव वर्ड बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप एमएस वर्ड में आप किसी हेडिंग को या किसी भी नाम को एक अट्रैक्टिव वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वर्ड आउट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट्स दिखाई देंगे जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग स्टाइल्स के वर्ड्स हैं, जिसमें से आप किसी भी वर्ड आउट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि टाइप योर टेक्स्ट, यानी यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट टाइप करेंगे वो एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं एक्सेल इन्फोटेक। इसके अलावा अगर आप फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मेट मिलेंगे जिसमें आप फॉन्ट के स्टाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम फिलहाल उसी फॉर्मेट को रहने देंगे। यहाँ से आप चाहें तो साइज़ को भी आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। बोल्ड या इटैलिक करना चाहें तो उसे भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ओके पर प्रेस करेंगे आप, तो आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट था वो एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट में आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। मतलब ये देखने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बेसिकली इसको आप हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। जैसे ही इस वर्ड पे आप डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जिसकी मदद से आप इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि एमएस ऑफिस, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, टेलीप्राइम इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एडिट टेक्स्ट की। अगर आप पहला ऑप्शन एडिट टेक्स्ट का यूज़ करेंगे तो आप वापस से इसमें कोई एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यह है स्पेसिंग, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से इसके अंदर स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे हमारा जो वर्ड है वो काफ़ी चिपका हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जितना भी आप लूज़ करना चाहें उतना लूज़ आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसके स्पेसिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसको टाइटली वर्ड ही रखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा इवन हाइट का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने सभी टेक्स्ट की हाइट को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन दिखाई देगा वर्ड आर्ट वर्टिकल टेक्स्ट। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे ही आप इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये वापस से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको यहाँ पर अलाइनमेंट दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स को लेफ्ट या राइट सेंटर एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसमें किसी भी वर्ड पर क्लिक कर रहा हूँ तो बेसिकली ये वर्क नहीं कर रहा। ये वर्क इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें अभी हमने सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है। जब इसमें हम तीन चार लाइन लिख लेंगे तो उसके बाद ये ऑप्शन हमारा काम करेगा। यानी बेसिकली इस ऑप्शन के लिए आपके पास तीन से चार लाइनें होनी चाहिए। तो इसके लिए हम वापस से एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और इसके नीचे हम एक लाइन को और ऐड कर देते हैं, जैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और उसके बाद हमने कर दिया इसको ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे हमारी यहाँ पर दो लाइनें आ चुकी हैं। इसके बाद हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया लेफ्ट अलाइन, तो आप देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट था वो लेफ्ट साइड में एडजस्ट हो गया। इसी तरीके से अगर आप सेंटर करना चाहें तो सेंटर पर कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके सामने काफ़ी सारे अलाइनमेंट दिए हुए हैं जिसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जस्टिफाई वगैरह का। तो फिलहाल हम इसको लेफ्ट अलाइन रखते हैं और वापस से एडिट टेक्स्ट में जा करके हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को वापस से यहाँ से हटा कर ओके कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे वर्ड आर्ट स्टाइल्स के। इसमें से अगर आप कोई इसका स्टाइल वापस से बदलना चाहते हैं तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका स्टाइल ऑटोमेटिक वापस से चेंज हो जाएगा। इसमें बहुत सारे आपको स्टाइल दिखाई देंगे जिसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आएगा शेप फिल्स का। इस शेप फिल का यूज़ कर सकते हैं आप अपने हिसाब से इसमें कलर्स फिल करने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी जो इसमें बाय डिफॉल्ट कलर है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कलर्स हैं। इनमें से कोई भी कलर अगर आप यूज़ करेंगे तो उसका देखेंगे आप कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके सामने एक मोर फिल कलर्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें से आप कोई कलर खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं, उसके बाद उसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नीचे की तरफ हम बात करें तो आप चाहें तो इसके अंदर कोई पिक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं।
पहले हम इसके फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इसके लिए हम वापस से उसी फॉर्मेट को यूज़ कर लेते हैं। उसी फॉर्मेट को यूज़ करने के बाद हम वापस से चले जाते हैं इसी ऑप्शन पर और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पिक्चर वाला ऑप्शन। पिक्चर फॉर्मेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपनी फाइल अपने सिस्टम में से सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो बिंग सर्च में से निकाल सकते हैं, या फिर आपकी अगर ड्राइव पर सेव है तो वहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बिंग सर्च का यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारी इमेजेस आ जाएंगी। ये इमेज तभी आएंगी जब आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होगा। तो इसके बाद यहाँ से हम किसी भी इमेज को यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं और उस कैटेगरी से रिलेटेड आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने इमेजेस रिप्रेजेंट हो जाएंगी। इनमें से कोई भी इमेज आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने फर्स्ट इमेज को सेलेक्ट किया और यहाँ पर कर दिया हमने इसे इंसर्ट। जैसे ही हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम लेने के बाद वो इमेज हमारे इस टेक्स्ट के अंदर एडजस्ट हो गई है। आप देखेंगे ध्यान से, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वो इमेज हमारी इस टेक्स्ट के अंदर एडजस्ट हो गई है। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रेडियंट्स मिलेंगे। इसमें काफ़ी सारे ग्रेडियंट्स हैं जिसमें आप किसी भी ग्रेडियंट का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर जाएंगे मोर ग्रेडियंट्स के ऑप्शन है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप काफ़ी सारे ग्रेडियंट्स खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे टेक्सचर चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, पैटर्न चाहिए या पिक्चर चाहिए। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन एक साथ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर ग्रेडियंट को सिलेक्ट करते हैं। ग्रेडियंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहें, जो भी स्टाइल सिलेक्ट करना चाहें, वो यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। टू कलर का कॉम्बिनेशन करना चाहें या टू कलर का कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, अभी प्रेजेंट का यूज़ करना चाहें तो प्रेजेंट का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से जिस भी ऑप्शन का आपको सिलेक्शन करना है उसका सिलेक्शन करके जैसे आप यहाँ ओके करेंगे तो वही कलर आप देखेंगे इसके अंदर फुलफिल हो जाएगा। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको पैटर्न दिखाई देगा। पैटर्न पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर पैटर्न नजर आएंगे। जौन सा पैटर्न आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट करके आप जहाँ जैसे ओके करेंगे तो वो पैटर्न आपका यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम वापस से इसको सिंपल कर लेते हैं। पहले सिंपल कोई भी कलर इसके अंदर फिल कर लेते हैं। नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर शेप आउटलाइन का ऑप्शन है। तो ये बेसिकली जो ऑप्शन है वो बेसिकली आउटलाइन के लिए यूज़ किया जाने वाला ऑप्शन है। इसमें आप आउटलाइन में कोई भी कलर चेंज करना चाहें तो आउटलाइन का कोई कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने रेड कलर का यहाँ पर यूज़ किया तो आप देखेंगे इसकी जितनी भी आउटलाइंस है वो सभी रेड कलर में कन्वर्ट हो गई हैं। इसके अलावा अगर आप नो आउटलाइन का यूज़ करेंगे तो इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। मोर आउटलाइन कलर्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस पर आप अपने हिसाब से कोई भी कलर बना करके इसको ओके करके उसको आउटलाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको डैशेस दिखाई देंगे। डैशेस में आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एरोस की अगर हम बात करें तो एरो का हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया हुआ है इसलिए ये ऑप्शन हमारा हाइड है। पैटर्न्स की बात करें तो आप चाहें तो इसकी आउटलाइन में भी आप पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करके यहाँ ओके करेंगे तो वो पैटर्न इसकी आउटलाइन में यूज़ हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग चेंज शेप्स की। चेंज शेप पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारी शेप्स के स्टाइल्स हैं जिससे आप अपने टेक्स्ट को इजीली किसी भी शेप स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी शेप देना चाहें, जो भी एंगल देना चाहें, क्लिक करके आप उसमें इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर शेडो की, तो शेडो का यूज़ करने से पहले मैं इसको वापस से नॉर्मल कन्वर्ट कर लेता हूँ जैसे ये पहले था। तो यहाँ पर हम क्लिक करके कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम वापस से अपना वही फॉर्मेट लेते हैं। बेसिकली ये फॉर्मेट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है तो इसके ऊपर ही मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं शेडोज़ की। शेडोज़ को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर कोई भी शेडो यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपकी शेडो आप लेफ्ट या राइट सेंटर जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहें आप अपने हिसाब से यहाँ पे शेडोज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें से अगर आपने किसी शेडो का यूज़ कर लिया है तो उसके बाद अपनी शेडो को लेफ्ट या राइट यहाँ पर अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। या देखेंगे आपको चारों तरफ से पोजिशन दिखाई देंगी जिसकी मदद से आप अपनी शेडोज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 3D इफेक्ट आपको दिखाई देगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे 3D के ऑप्शंस नज़र आएंगे जिसमें आप अपनी टेक्स्ट को किसी भी 3D ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर 3D कलर का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जिसमें आप इसके बैक साइड 3D का कलर चेंज कर सकते हैं। जो 3D का जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डेप्थ की अगर हम बात करें तो डेप्थ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने 72 PT लिया हुआ है तो उसे अगर आप यहाँ पर 36 लेंगे तो इसकी मोटाई आप देखेंगे थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से इसकी जो भी डेप्थ है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डायरेक्शंस मिलेंगे। इसमें से किसी भी आप डायरेक्शन को यहाँ पर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। लाइटिंग्स की अगर हम बात करें तो आप अपने इस 3D के ऑप्शन के ऊपर लाइटिंग कहाँ से देना चाहते हैं वो लाइटिंग्स यहाँ पे आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो सेंटर में इसमें लाइटिंग आ रही है। नीचे से आप लाइट देना चाहें, सेंटर से लाइट देना चाहें, ऑफ टॉप से लाइट देना चाहें, तो जिस तरफ से आप लाइट देना चाहें उस पर क्लिक करेंगे उसी तरफ से इसके अंदर लाइटिंग आपको दिखाई देगी। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो इसका सरफेस है। सरफेस को आप कितना अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं, सरफेस को कितना रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सरफेस यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा।
इसके अलावा अगर आप 3D को रोटेट करना चाहते हैं चारों तरफ पोजीशन में अपने हिसाब से, तो उसके लिए भी आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो 3D ऑप्शन है ये चारों तरफ यहाँ से रोटेट हो सकता है, इसको आप यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर पोजीशन की, तो यहाँ पर आप पोजीशन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका पेज है और पेज के हिसाब से आप जिस पोजीशन पर अपने डाटा को रखना चाहते हैं, जिस पोजीशन पर आप अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो पोजीशन था यहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर वर्ड रैप की, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ के लिए मैंने आपको वही बता रखा है, आपको टाइप करना है RAND लिखना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना और प्रेस करना है एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे पैराग्राफ्स आ जाएंगे, इस पैराग्राफ को यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे हम इस टेक्स्ट को जहाँ भी मूव कर रहे हैं या बड़ा या छोटा करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होता चला जाएगा इसके पैराग्राफ के हिसाब से। तो इस पर वापस से हम डबल क्लिक करते हैं, टूल्स वापस से खुल गए हमारे। रैपिंग्स की अगर हम बात करें तो पिछली वीडियो में मैंने रैप टेक्स्ट के बारे में अच्छी तरीके से आपको बता रखा है। बेसिकली ये शेप पे भी काम करता है, पिक्चर्स पे भी काम करता है और वर्ड आर्ट के ऊपर भी ये काम करता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर इनलाइन विद टेक्स्ट की, तो इनलाइन विद टेक्स्ट जैसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे इसकी जो स्टार्टिंग हुई है इस लाइन से हिसाब से स्टार्टिंग हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट स्क्वायर्स की, तो यहाँ पर जैसे हम स्क्वायर ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो इसे हम कहीं पर भी लेकर मूव करेंगे तो आप देखेंगे इसने अपने आप स्क्वायरली स्पेस अपना बना लिया है, यानी जहाँ पर भी हमारा ये टेक्स्ट लिखा होगा उसके चारों तरफ ऑटोमेटिकली स्क्वायर स्पेस यहाँ पे दिखाई आपको दे जाएगा। उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर टाइट का एक ऑप्शन है, टाइट का मतलब आपका जो टेक्स्ट होगा जैसा भी होगा वो ऑटोमेटिक उसी हिसाब से आपका टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा। थ्रो की अगर हम बात करें तो इसे आप कहीं भी ऊपर या नीचे मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना स्पेस बनाता चला जाएगा। टॉप एंड बॉटम की अगर हम बात करें तो टॉप या बॉटम में आपके टेक्स्ट रहेगा, बाकी इसके लेफ्ट या राइट में कोई भी टेक्स्ट ये अपने आसपास रखने नहीं देगा। बिहाइंड टेक्स्ट की बात करें तो ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, जो भी आपने पैराग्राफ यहाँ पे टाइप किया हुआ है उसके पीछे आपको ये दिखाई देगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट की बात करें तो ये आपको टॉप पे दिखाई देगा, यानी आपका जो टेक्स्ट होगा वो इसके पीछे छुप जाएगा। एडिट रैप पॉइंट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स नजर आएंगे, जिसमें से किसी भी पॉइंट को आप पकड़ करके जैसे आप जहाँ पर भी ड्रैग करेंगे तो उतना स्पेस ही ऑटोमेटिक खाली कर लेगा और उतनी जगह पर आप इसे कहीं भी मूव करेंगे तो अपने आप ये उतना स्पेस अपना बनाकर चलेगा। तो इस तरीके से आप इन सभी रैपिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें और भी आपके काफ़ी सारे लेआउट्स हैं जिसमें से आप इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का एक ऑप्शन। इसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने एक ऑप्शन है ब्रिंग टू फॉरवर्ड एंड सेंड टू बैकवर्ड। इसका यूज़ करने के लिए मैं एक बार सब कुछ पहले से क्लियर कर लेता हूँ और वापस से इंसर्ट टैब में जा करके दोबारा से एक नया वर्ड आर्ट लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने इसी वर्ड आर्ट को फिर से लिया, पर हमने कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर लिया। इसके अलावा हम यहाँ पर एक और वर्ड आर्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम फिर से एक और वर्ड आर्ट ले लेते हैं। इंसर्ट टैब में वापस से जाएंगे, वर्ड आर्ट पर जाएंगे और यहाँ से हमने दूसरा कोई भी स्टाइल हमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं लाइक एक्सेल इन्फोटेक और उसके बाद कर दिया हमने ओके। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे अब हमारे सामने दो वर्ड आर्ट है। अब दोनों वर्ड आर्ट में से अगर मुझे किसी एक वर्ड आर्ट को इसके पीछे डालना है यानी इसके पीछे भेजना है टेक्स्ट और टाइप के, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेंड टू बैकवर्ड का। जैसे हम सेंड टू बैकवर्ड का यहाँ पर ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट हमारा इसके पीछे चला जाएगा, और ब्रिंग टू फॉरवर्ड का अगर हम यूज़ करेंगे तो वापस से इसके ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सिलेक्शन पेन्स का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने शो और हाइड का एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर आपको आइज़ का एक ऑप्शन दिखाई देगा। मान लीजिए कि आपने दो दो टेक्स्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं और किसी एक टेक्स्ट को आप चाहते हैं कि वो आपको दिखाई ना दे, तो जैसे ही आप इसकी आइज़ पर क्लिक करेंगे तो ये आइज़ आपकी क्लोज हो जाएगी, वो टेक्स्ट आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। और जैसे ही आप इस पर वापस से क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट आपको वापस से दिखाई दे जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई कोई भी टेक्स्ट आपको दिखाई ना दे तो यहाँ पर हाइड ऑल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई आपको नहीं देगा, और शो ऑल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वापस से आपका जो भी वर्ड आर्ट का टेक्स्ट था वो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन का यूज़ आप पिक्चर्स पे भी कर सकते हैं, शेप पे भी कर सकते हैं और वर्ड आर्ट के ऊपर भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद वापस से हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, आते हैं वापस से अपने उसी ऑप्शंस पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने अलाइनमेंट्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप टेक्स्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं पेज मार्जिन के हिसाब से। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं अलाइन लेफ्ट, तो तैसे ही आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट में एडजस्ट हो गया। उसी तरीके से आप यहाँ से अलाइन अगर राइट करेंगे या सेंटर करेंगे तो आपका टेक्स्ट सेंटर में या राइट में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारे अलाइनमेंट दिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के काफ़ी सारे अलाइनमेंट दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पेज अलाइन के ऑप्शन है और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिसका आप यूज़ करके अपने हिसाब से टेक्स्ट के अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में ग्रुप करना यानी जोड़ना। मान लीजिए अब हमारे पास दो टेक्स्ट हैं, एक टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, शिफ्ट को दबा के रखना है, दूसरे टेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। दोनों ही टेक्स्ट हमारे सेलेक्ट हो गए
दोनों टेक्स्ट जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रुप का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ग्रुप ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके दोनों ऑप्शन ग्रुप हो गए हैं, मतलब अगर आप एक टेक्स्ट को मूव करेंगे तो दूसरा टेक्स्ट अपने आप उसके साथ मूव होगा, तो इसे कहते हैं ग्रुप। इसको वापस से अगर आपको अनग्रुप करना है तो वापस से आपको वर्डा टूल पर जाना है और यहाँ पे ग्रुप को सिलेक्ट करके आपको अनग्रुप कर देना है। जैसे आपने इसको अनग्रुप किया तो आपका टेक्स्ट वापस से अनग्रुप हो गया। आप इसको अपने हिसाब से जहाँ भी मूव करना चाहें वो मूव कर सकते हैं। अगर आपने एक बार इसको ग्रुप कर रखा है और उसके बाद आपने इसको अनग्रुप कर दिया और उसको कहीं पर भी आपने मूवमेंट करा दिया, यानी किसी टेक्स्ट को इधर या उधर या किसी वर्ड को इधर या उधर कर दिया आपने, और आप चाहते हैं कि अब ये वापस से रीग्रुप हो जाए, तो आपके दोनों को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे इसी ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रीग्रुप का। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट फिर से ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ग्रुप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करें रोटेशंस की, तो यहाँ पर आप इसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आप फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसे अनग्रुप करके चाहें तो आप किसी भी एक टेक्स्ट को यहाँ से रोटेशन दे सकते हैं। जैसे ये देखें 90 डिग्री, 180 डिग्री, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, आप इसे चाहें तो जैसे भी रोटेट करना चाहें वैसे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर साइज़ का आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस साइज़ को आप अपने हिसाब से जितने जैसे क्लिक करेंगे, हाइट या विथ आप यहाँ से अपने हिसाब से इसकी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जिसको जितना भी आप बड़ा या छोटा करेंगे उतना बड़ा या छोटा आपका साइज़ यहाँ पर होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप वर्ड आर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।